कार्यस्थल यानी सीन में प्रवेश करने से पहले एरिया को सुरक्षित कर लें। टूल्स टैब में जाकर सीलिंग टैब बटन पर क्लिक करें। क्राइम सीन टैब को सेलेक्ट करें और एरिया को सुरक्षित करने के लिए डोर पर क्लिक करें। खोलने के लिए डोर पर क्लिक करें। कांच पूर्व संग्रह प्रक्रिया। सबसे अधिक सामान्य सलाइवा युक्त संबंधित प्रमाण या तो अपराध स्थल से प्राप्त सिगरेट के पिछले हिस्से पर या किसी धमकी भरे पत्र में जिसे सलाइवा से सील किया गया हो या डाक टिकट पर या फिर इस्तेमाल की गई प्यालियों पर पाए जाते हैं। चित्रकारी और दस्तावेजी प्रमाण सही स्थान पर होते हैं। फोटोग्राफ लेने से पहले टैग लगा दें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और टैग को सेलेक्ट करें। टैग को लगाने के लिए सीन पर राइट क्लिक करें। फोटोग्राफ को लेबल करें। टूल्स टैब में जाकर डिटेक्शन बटन से एल स्केल को सेलेक्ट करें। एल स्केल को रखने के लिए एविडेंस पर क्लिक करें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा पर क्लिक करें। संग्रह प्रक्रिया। अगर आपके लिए उस सामग्री को मोड़ना आवश्यक हो तो धब्बे युक्त क्षेत्र को कागज के एक टुकड़े से सुरक्षित कर लें। सामग्रियों को एक जाने पहचाने मानक के अंतर्गत 6 इंच स्टीराइल कॉटन डिप्ड एप्लीकेटरों में अलग अलग मोड़कर जमा किया जाना चाहिए। अगर धब्बे किसी ऐसी चीज पर हैं जो इतना बड़ा है कि इसे साबुत उठाकर जमा करना मुश्किल है, तब या तो सतह के उस हिस्से को काट लें जिस पर धब्बे लगे हैं या फिर उसे निकालने के लिए उस चीज को तोड़ दें और धब्बा युक्त हिस्से को प्राप्त कर लें। टूल टैब में से स्टोरेज किट बटन पर क्लिक करें। कार्डबोर्ड बॉक्स का चयन करें। चयन किए हुए यानी सेलेक्टेड भंडारण सामग्री को रखने के लिए उपकरण यानी टूल किट आइकॉन पर दाएं तरफ क्लिक करें। कलेक्शन टैब में जाकर ग्लव बटन पर क्लिक करें। अब ऑब्जेक्ट को जमा करने के लिए इस पर क्लिक करें। इसके बाद ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज किट पर क्लिक करें। अंतर संग्रह प्रक्रिया। सबूतों को गीली स्थिति में पैक ना करें। इससे सड़न पैदा हो सकती है और उपयोगी सबूत नष्ट हो सकते हैं। सूखने वाली चीजों यानी स्वाब्स को पूरी तरह से हवा में सूख जाने यानी एयर ड्राई होने दें। अच्छी तरह से सुखाए गए एप्लीकेटरों को उनके मूल रैपरों में डाल दें और इसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स एनवेलप के अंदर रखें। ऑब्जेक्ट को स्टोरेज किट में ले जाकर रखें। एविडेंस को जोड़ दिया गया। टूल्स टैब में जाकर सीलिंग टैब बटन पर क्लिक करें। सीलिंग टैब को सेलेक्ट करें और इसे सील करने के लिए स्टोरेज मटेरियल पर क्लिक करें। एविडेंस को लेबल करें। एविडेंस डिस्पैच के लिए तैयार है। बाल पूर्व संग्रह प्रक्रिया। मानव अथवा मानवीय बालों को घर
घटना के दृश्य से बरामद किया जा सकता है। चित्रकारी और दस्तावेजी प्रमाण सही स्थान पर होते हैं। फोटोग्राफ लेने से पहले टैग लगा दें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और टैग को सेलेक्ट करें। टैग को लगाने के लिए सीन पर राइट क्लिक करें। फोटोग्राफ को लेबल करें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा पर क्लिक करें। संग्रह प्रक्रिया। साफ ट्वीजर की सहायता से बालों को एकत्र करें अथवा बालों को सतह से उठाएं। इस बात की सावधानी बरतें कि ट्वीजर से बालों को उठाने में बाल टूट न जाएं। टूल टैब में से स्टोरेज किट बटन पर क्लिक करें। फार्मेसी बैग को सेलेक्ट करें। चयन किए हुए यानी सेलेक्टेड भंडारण सामग्री को रखने के लिए उपकरण यानी टूल किट आइकॉन पर दाएं तरफ क्लिक करें। कलेक्शन टैब में जाकर ट्वीजर बटन पर क्लिक करें। अब इसे एकत्र करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें। तब स्टोरेज किट पर विकल्प को संरक्षित करने के लिए क्लिक करें। अंतर संग्रह प्रक्रिया। बालों को एक फार्मेसी बैग अथवा मोड़े हुए पेपर के साफ टुकड़े में रखें। बालों को किसी भी प्रकार से मरोड़े अथवा घुमाए नहीं। ऑब्जेक्ट को स्टोरेज किट में ले जाकर रखें। एविडेंस को जोड़ दिया गया। टूल्स टैब में जाकर सीलिंग टैब बटन पर क्लिक करें। सीलिंग टैब को सेलेक्ट करें और इसे सील करने के लिए स्टोरेज मटेरियल पर क्लिक करें। एविडेंस को लेबल करें। एविडेंस डिस्पैच के लिए तैयार है। बिस्तर पर खून। पूर्व संग्रह प्रक्रिया। खून और अन्य शारीरिक द्रव्यों की जांच, नस्ल, जाति, लिंग, स्वरूप, डीएनए एवं अन्य विशेषताओं को जानने के लिए की जा सकती है। किसी भी प्रकार के शारीरिक द्रव्य की स्थितियों यानी पैटर्न्स, छीटों, धब्बों, धारों यानी पूल्स, बूंदों एवं इसी प्रकार की चीजों को नजदीक से खींची गई तस्वीर यानी क्लोजअप स्केल फोटोग्राफ और मध्यम दूरी की स्थिति निरूपक तस्वीरों यानी कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग शॉट्स के रूप में दर्ज करें। कोई भी ऐसी चीज या सामग्री जिसमें संदेहास्पद खून, सीमन, सलाइवा, अन्य शारीरिक द्रव्य के धब्बे या उत्तक लगे हों, इन्हें पैकेजिंग से पहले कमरे के तापमान पर हवा में अवश्य सुखा लेना यानी एयर ड्राई करना चाहिए। चित्रकारी और दस्तावेजी प्रमाण सही स्थान पर होते हैं। फोटोग्राफ लेने से पहले टैग लगा दें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और टैग को सेलेक्ट करें। टैग को लगाने के लिए सीन पर राइट क्लिक करें। फोटोग्राफ को लेबल करें। एविडेंस टैब पर क्लिक करें और फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा पर क्लिक करें। संग्रह प्रक्रिया। शारीरिक द्रव्य के धब्बे लगी चीजों को हटाने के लिए साफ ट्वीजर्स यानी चिमटियों या अन्य साधन का उपयोग करें। अगर धब्बे किसी ऐसी चीज पर हैं जो इतना बड़ा है कि इसे साबुत उठाकर ले जाना मुश्किल है, तो उसकी उस सतह को काट लें जिस पर धब्बे लगे हैं। टूल टैब में से स्टोरेज किट बटन पर क्लिक करें। फार्मेसी बैग को सेलेक्ट करें। चयन किए हुए यानी सेलेक्टेड भंडारण सामग्री को रखने के लिए उपकरण यानी टूल किट आइकॉन पर दाएं तरफ क्लिक करें। टूल टैब में से कलेक्शन बटन पर क्लिक करें। गॉस क्लॉथ का चयन करें। अब हल्के तरह से साक्ष्य पर उसे रगड़े और स्टोरेज किट में उसे संरक्षित करें।
अंतर संग्रह प्रक्रिया। प्रत्येक चीज को अलग अलग एक सुरक्षित रूप से बंद कंटेनर जिसमें हवा प्रवेश कर सके, जैसे कि फार्मेसी बैग में पैक कर रखें। कंटेनर को सील और लेबल करें, जिसमें आपका नाम, दिनांक और प्रदर्शन क्रमांक शामिल हो। ऑब्जेक्ट को स्टोरेज किट में ले जाकर रखें। एविडेंस को जोड़ दिया गया। टूल्स टैब में जाकर सीलिंग टैब बटन पर क्लिक करें, सीलिंग टैब को सेलेक्ट करें और इसे सील करने के लिए स्टोरेज मटेरियल पर क्लिक करें। एविडेंस को लेबल करें। एविडेंस डिस्पैच के लिए तैयार है।